बिहार के रोहतास जिले का एक क्षेत्र ऐसा है जहां किसानों द्वारा की जा रही अत्याधुनिक खेती को देखने के लिए दूर दराज से लोग आते हैं। यहां की सब्जियां देखकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। जिन सब्जियों को आप आसानी से थैले में डाल लेते हैं, उन्हीं सब्जियों को अगर यहां से लोगे तो किसी बड़ी बोरी में डालना पड़ेगा। जी हाँ, रोहतास जिले के सदर प्रखंड के छकोनवा गाँव के किसान वैज्ञानिक तरीके से खेती करते हैं। जैविक खाद का उपयोग कर यहाँ के किसान अनोखे तरीके से सब्जियों का उत्पादन करते हैं। मकर संक्रांति के अवसर पर इन अनोखी सब्जियों की एक प्रदर्शनी भी लगाई गई। छकोनवा के किसानों द्वारा सब्जियों की लगाई गई इस प्रदर्शनी को देखने दूर दूर से लोग आते हैं। यहाँ के किसानों द्वारा तैयार की गई इन सब्जियों का आकार काफी बृहद होता है। 4 फीट से अधिक का कद्दू आपने शायद ही कभी देखा होगा। यहाँ 2 से 3 फीट की मूली, 35 किलो का कोहड़ा, 5 किलो की कद्दू गोभी, 5 किलो की बंद गोभी के साथ ही छोटे छोटे पौधे में बड़े बड़े फूल की खेती यहाँ के किसान करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि जैविक तरीके से इसका उत्पादन किया जाता है। इसमें कृषि वैज्ञानिकों की भी सलाह ली जाती है। सब्जी के उत्पादन में यहाँ का पूरा इलाका आत्मनिर्भर हो गया है। किसानों की माने तो वैज्ञानिक तरीके से की गई खेती का ही परिणाम है कि उनके खेतों में सब्जियों को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। वर्षों से सब्जी प्रदर्शनी मेला में लगाते रहते हैं और लगाते आ रहे हैं। यहाँ पे तो ये बड़ा बड़ा आप सब्जी देख रहे हैं, जैसे फूल गोभी, पत्ता गोभी, मूली, ये सारे तरह के, यहाँ 40 तरह के पौधे लगाए गए हैं और ये सब्जी प्रदर्शनी में ये पारदर्श लाए गए हैं। ये वैज्ञानिक तरीके से खेती करते हैं। यहाँ के किसान जैविक खाद का प्रयोग करते हैं, क्योंकि यहाँ वैज्ञानिक परंपरा से खेती करने से हम लोग का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है और हम लोग अपने बाज़ार में उसको।